तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कॉन्स्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, ई आई वेक्टर है, आई का मतलब जैसे हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन में, वैसे ये यूनिट वेक्टर ही है जिसका मैग्नीट्यूड है फील्ड का ई और डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन में, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के फॉलोज अ ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू एज शोन इन फिगर। देखेंगे यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर पॉइंट क्यू है, वो कुछ इस तरह से ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है। ठीक, आगे बताया गया, द वेलोसिटीज एट पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली वी आई एंड माइनस टू वी जे। यहाँ पर वी आई का मतलब एक्स डायरेक्शन में है और यहाँ पर क्यू पर माइनस टू वी जे, मतलब टू वी तो है लेकिन माइनस जे यानी कि निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना, और खास बात यह है कि इसमें जो है एक तरह से मल्टीपल च्वाइस जो क्वेश्चन होता है वैसा ही है, लेकिन इसको सिंगल च्वाइस में कन्वर्ट कर दिया गया है। कैसे देखेंगे, इसमें कई सारे स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, है ना, और एक्चुअली में जो ऑप्शन है वो वहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे बताया गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनमें से हमें चार में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जबकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हो सकते हैं। तो इसमें जैसे पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है 3/4 एम वी स्क्वायर बाई क्यू ई। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालें, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल पर वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, क्यू वी क्रॉस बी। तो ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है और इसलिए वो कभी वर्क नहीं करता। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो वर्क डन जीरो है, यानी जो भी इसमें वर्क हुआ होगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, पहले स्पीड था भी बाद में टू भी हो गया, तो एनर्जी इसकी बड़ी है। एनर्जी क्यों बड़ी है? क्योंकि कोई ना कोई पॉजिटिव वर्क हुआ होगा। तो वर्क करने वाला कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क हुआ होगा, इसलिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से कह सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है वो आएगा क्यू इंटू ई, ये तो हो गया फोर्स, यहाँ पर पार्टिकल है और गया है इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे एक्स डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जेड डायरेक्शन में है। अगर इधर एक्स लेंगे, इधर वाई लेंगे, तो कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके हिसाब से जेड आउटवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए और जेड डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड बताया गया देखेंगे तो, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया था एक्स डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लग रहा है उधर ही तो वर्क करेगा है ना, तो फोर्स लग रहा है इधर, तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अगर पार्टिकल यहां से चल करके यहां गया तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ 2a है ना, तो फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट है 2a, तो ये वर्क हो गया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगा 1/2m2v2, फाइनल स्पीड जो है 2v है। काइनेटिक एनर्जी में हम लोग डायरेक्शन तो लेते नहीं हैं, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो 2v वहां पर रखेंगे, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल स्पीड जो है वो v है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है 1/2m v2, तो ये आएगा 3/2 mv2। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो देखेंगे आ जाएगा 3/4 mv2 डिवाइडेड बाई QA है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब देखेंगे जो पहला स्टेटमेंट है इसमें उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया 3/4 mv2 by QA, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद आते हैं दूसरा वाला स्टेटमेंट पर, इसमें कहा गया रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज 3/4 mv³/a। तो चेक करते हैं, हमें पता है कि जो पावर होता है वो होता है एफ डॉट वी या एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा। तो एफ क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो वर्क कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क करेगा नहीं, है ना। हालांकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पूछा है, तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही कंसीडर करना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू ई, वेलोसिटी है पॉइंट पी पर वी, ठीक, और थीटा यहाँ पर जीरो है। थीटा क्या है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उधर ही वेलोसिटी भी है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल है, तो थीटा का वैल्यू जीरो यानी कॉस थीटा वन, ये हो गया। तो Q इंटू ई का वैल्यू यहाँ से रखते हैं 3/4 एम वी स्क्वायर बाई क्यू ए इंटू वी, तो ये Q और ये Q कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/4 एम वी क्यू डिवाइडेड बाई ए। तो ये पावर आएगा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, और देखेंगे उतना ही यहाँ पर दिया गया 3/4 एम वी क्यू बाई ए। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आते हैं तीसरे वाले पर। तीसरा वाला जो है इसमें कहा गया रेट ऑफ वर्क डन बाई बोथ द फील्ड्स एट पॉइंट क्यू इज जीरो, ये है पॉइंट क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ वर्क डन का मतलब हो गया पावर पूछा जा रहा है एक तरह से, इसलिए मैं वहां भी पावर निकालूं यहां भी पावर निकालूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो चूंकि वर्क ही नहीं करता, तो उसका पावर तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होता है रेट ऑफ वर्क डन, तो वर्क तो करता नहीं मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उसका पावर तो जीरो है ही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का चेक करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर एक्स डायरेक्शन में, जबकि वेलोसिटी इधर, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इस फॉर्मूले से थीटा 90 रखने से जीरो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा जीरो होने का मतलब पावर जीरो। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स का पावर भी जीरो है और मैग्नेटिक फोर्स का पावर भी जीरो है। तो ये जो स्टेटमेंट है सी, ये भी सही है ना। रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर बाय बोथ द फील्ड्स एट क्यू इज जीरो, सही है। इसके बाद आते हैं डी वाले पर, देखेंगे इसमें कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट पी एंड क्यू इज 2 mv। अब इस स्टेटमेंट में पहले गलती तो ये है कि इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। डिफरेंट एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट आ जाता है, ठीक। अब अगर हम मान भी लें कि इसमें जो पॉइंट है ओरिजिन जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो अगर ओरिजिन के अबाउट निकालने के लिए कहा जाए, तो ओरिजिन के अबाउट निकाल कर चेक करते हैं। ओरिजिन के अबाउट निकालेंगे तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आएगा, ये होता है एम, जब ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, एम वी आर होता है, तो यहाँ पर एम वी और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ए के इक्वल है, तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। फाइनल देखेंगे यहाँ पर है तो एम इंटू टू वी इंटू ये डिस्टेंस टू ए, एम टू वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ए, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है। अगर इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो ये 4 MVA में से MVA जाएगा तो ये आएगा 3 MVA, ठीक। तो अगर ओरिजिन के अबाउट निकालते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम तो 3 MVA आता है, जबकि यहाँ पर 2 MVA देता है, तो इस हिसाब से भी गलत है, और उस हिसाब से भी गलत है कि हमें तो एक्सिस बताया ही नहीं गया है, तो कैसे पता करें। तो दोनों तरीके से इसको गलत कहा जा सकता है। तो ए बी और सी तीन स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर देखेंगे कि जो ऑप्शन टू है, ऑप्शन टू में ए बी सी को सही बताया गया है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।